मैं अंजना को, उस अंजना को शुभकामना देना चाहता हूँ, जब वो फौलाद फिल्म करने आई थी, एक सांवली सी लड़की थी और बहुत डरी हुई थी, और मैं आज उस अंजना के बर्थडे में आया हूँ जो 50 से ज़्यादा फिल्म करके शी इज़ बिकम अ ह्यूज स्टार इन भोजपुरी, और उसके लिए मैं ख़ास रांची से अपनी शूटिंग से आया हूँ, और मेरी पत्नी प्रीति भी आई हैं साथ में, बिकॉज अंजना के को हम लोग बहुत लाइक करते हैं, शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड एंड शी इज़ बिकम अ फैमिली फ्रेंड, बहुत अच्छी है और बड़ा एक्साइटमेंट है। मैं सोच रहा हूँ कि काफ़ी लोग होंगे, सोचिए मैं डायरेक्टली एयरपोर्ट से यहाँ पर पहुँचा हूँ, तो यू कैन इमेजिन। सिर्फ बर्थडे के लिए आए यहाँ पे बताया? जी जी जी, सिर्फ बर्थडे के लिए हम आए हैं, और अभी मैं कल चला जाऊँगा वापस, आई विल गो बैक। सो ऑल द बेस्ट अंजना, हैप्पी बर्थडे, ईश्वर करे तुम 50-55 की फिल्में 100 करो, सन की दरोगा में तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये साल बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड लिया, अगले साल सन की दरोगा के लिए भी तुम्हें बेस्ट एक्ट्रेस मिलेगा, बिकॉज तुमने बहुत अच्छा काम किया, और आगे बढ़ती रहो, बहुत खुश रहो लाइफ में। ये नया लुक क्या है आपका? ये नया लुक मेरा मूछ और ये सब है, ये कैरेक्टर है, एक ट्रू स्टोरी कर रहा हूँ मैं, हंच फिल्म है, ये हिंदी और बंगला में बन रही है। एक मर्डर हुआ था रांची के पास, और एक मैं क्राइम ब्रांच का ऑफिसर हूँ, वो डिसगाइज में रहता है, तो उस तरह से, तो मैं उसकी शूटिंग कर रहा हूँ हंच की, काफ़ी अच्छी फिल्म है, सारे बंगाली डायरेक्टर्स, बंगाली राइटर्स हैं, बंगाली प्रोड्यूसर हैं, तो हम लोग रांची में पूरी फिल्म कर रहे हैं। थोड़े पतले हो गए हैं आप, क्या राजेश? हाँ, उफ, मेरी जवानी, मेरी पत्नी का प्यार। नहीं, मैं बहुत सारा जॉगिंग कर रहा हूँ, बहुत दौड़ रहा हूँ, और बहुत स्विमिंग कर रहा हूँ, उस आजकल अंडर वाटर स्विम करता हूँ, पहले ऊपर तैरता था तो पतला नहीं होता था, अभी अंदर चला गया हूँ तो पतला हो रहा हूँ। यस, गिफ्ट लाए कुछ, मेरी वाइफ ने अच्छे गिफ्ट लाए हैं, एंड बहुत प्यारे गिफ्ट लाए हैं, जो अंजना को बहुत पसंद आएंगे, उसको आप लोग को नहीं रिवील, नहीं 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 नहीं, 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 नहीं लेकिन मैम आप कुछ बताना चाहिए, क्या गिफ्ट लाया है और किस तरह के गिफ्ट बता देंगे तो फिर गिफ्ट कैसा है, वो गिफ्ट बताना ही नहीं है, सरप्राइज रखना, बट वो बहुत खुश हो जाएगी, उसे बहुत अच्छा, उसके मन की चीज़ है वो, बिकॉज ऑफ ब्रांड्स में आजकल बहुत रहती है, उसको बहुत ब्रांड्स इन गुची एंड शिनाल और ये सब पसंद है, तो उसको वैसे ही दे रहे हैं ब्रांड। अच्छा, मुझे अभी वेरी सैड, मतलब वेरी सैड फॉर नॉट तमिल इंडस्ट्री बट इंटायर साउथ इंडिया, बिकॉज वो इतने बड़े स्ट्रेंथ थे तमिल इंडस्ट्री से लेके, बहुत बड़े पोइट थे वो, और उनका एक बहुत बड़ा, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ आज तमिलनाडु जो एक स्ट्रेंथ बन के, या तमिलियंस जो स्ट्रेंथ है, उसमें करुणानिधि सर का बहुत बहुत बड़ा हाथ है, तमिल इंडस्ट्री जो आज पूरे विश्व में पॉपुलर है उसमें करुणानिधि सर का बहुत बड़ा हाथ है। शिवाजी गणेशन थे, एमजीआर के बाद, एमजी रामाचंद्रन के बाद करुणानिधि सर थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा, मैं पूरा तमिलनाडु बहुत बड़े शोक में होगा, इनफैक्ट पूरे साउथ इंडिया करुणानिधि सर, और पॉलिटिक्स में भी उनकी एक बहुत बड़ी पैंट थी और बहुत बड़ी समझ थी, पॉलिटिशियंस में बड़े बड़े दिग्गज उनको प्रणाम करते थे। रवि जी, आप उस भाषा की फिल्में भी करते हैं, आपका बड़ा पॉपुलर नाम है, क्या कभी, मुझे पता नहीं, क्या कभी आपकी करुणानिधि साहब से मुलाकात हुई? मैं एक फिल्म कर रहा था, मोनिसा मोनालिजा, 97 में तमिल फिल्म कर रहा था, तब उनसे मुलाकात, मतलब एयरपोर्ट पे हम उनको देखे थे, बाकी रूबरू कभी बातचीत नहीं हुई, लेकिन यस, एक बार उनको एयरपोर्ट पे हम देखे थे। नमस्कार आप सभी लोगों को, जैसे कि हर साल अंजना भी मेरी तरह बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाती है, तो इस बार भी हम लोगों को नहीं पता था कि इस बार पार्टी रखने वाली है, बट ऑल ऑफ सडन का फ़ोन आया और पार्टी अरेंज हो गया, मैंने कहा चलो बढ़िया है। वैसे तो तहे दिल से मेरी हमेशा यही शुभकामना होती है, अंजना मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड है, उसके लिए कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, बहुत हार्ड वर्कर है, बहुत ही ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है, बहुत मेहनत से आई है, तो मेरे दिल से यही शुभकामना है कि वो अपने लाइफ में जो भी वो चाहती है उसको वो पूरा मिले और भगवान हमेशा उसको सपोर्ट करे, ये शुभकामना है। और गिफ्ट क्या लाया है?
गिफ्ट अंजना ने आज स्पेशली बोला कि नो गिफ्ट, नो फ्लावर्स, नो लिफाफा, नो नथिंग, फिर भी ये बहुत अच्छा फूलों का गुच्छा, जैसे ये खिला खिला है, उसकी जिंदगी हमेशा खिली खिली रहे, तो इसीलिए फूलों का गुच्छा लेकर आई हूँ। नेताजी आपका भी अंजना जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, उनकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी कामनाएं हैं, ईश्वर उनको पूरा करे। बहुत अच्छी लेडी हैं और मेरे दिल से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। अंजना जी को इस जन्मदिन पर बहुत सारी हार्दिक बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। उनकी फिल्में दिन दुगनी रात चौगनी सफलता की चरम सीमा को छुए और बहुत अच्छी अदाकार, बहुत अच्छे इंसान और मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक भी हूँ और उनको बस विश करने आया हूँ। लेट्स सी क्या होता है। हैप्पी बर्थडे है और आप आए हैं, किस तरह से उनका विश और ब्लेसिंग करना चाहेंगे? भाई जन्मदिन का जैसे सीधे सीधे विश करते हैं वैसे मैं भी कर रहा हूँ। अंजना मेरी दोस्त है, भोजपुरी की टॉप स्टार है। मैं अपने दोस्त को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देने आया हूँ। वो जितनी अच्छी स्टार है उतनी अच्छी दोस्त है, एक्ट्रेस तो कमाल है ही। तो यार अपने इस दोस्त के लिए सेलिब्रेशन तो बनता है, वही आया हूँ। अंजना जी के बारे में बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? कमाल की अदाकारा, कमाल की इंसान, इससे बड़ा और कॉम्प्लीमेंट क्या दूँ। मनोज जी बात करें, आपकी जो है पंचरंग नाट्य जो आपका संस्था है उसके माध्यम से नए कलाकारों को वर्कशॉप करवा रहे हैं इन दिनों, क्या कहना चाहेंगे? पंचमरंग वर्कशॉप हमेशा करता रहता है, ये वर्कशॉप है नए बच्चों के लिए जिनमें काबिलियत है लेकिन उनको पॉलिश करने के लिए, तो हमने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है। कितने दिनों का है और कब? 5 दिन का है, 10 को ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मंचन भी करने वाले हैं? जी 11 को ही करेंगे या 10 को करेंगे मुंबई। ये कहाँ पर होने वाला? ये बताएंगे वक्ता ने। अच्छा वर्कशॉप की बात की जाए तो बाकी और कहाँ कहाँ होगा वर्कशॉप मुंबई के अलावा? लखनऊ, गोरखपुर, बस्ती और देवरिया। फिलहाल यूपी में करेंगे, बिहार का भी कंफर्म नहीं है। एक और फिल्म एज ए हीरो एक फिल्म लेके आ रहे, लागल रहा बतासा, क्या कहना चाहेंगे? बस देखिए जैसे ही बतासा को प्यार मिला वैसे लागल रहा बतासा को भी प्यार मिल जाए, छठ के पहले आ जाएगी फिल्म। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से कहूँगा कि अंजना के जन्मदिन पर आप लोग शुभकामना दीजिए और बतासा को प्यार दीजिए। धन्यवाद। जी सबसे पहले तो सभी चाहने वालों को राजन मोदी का प्यार भरा नमस्कार। अंजना जी हमारी बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, बहुत ही प्यारी दोस्त है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो हर जन्मदिन पे और तरक्की करे, जैसे आज सुपरस्टार है बनी रहे, हमेशा बनी रहे। दिल से दुआ है एक दोस्त की। तो अंजना आई लव यू। अंदर क्या चल रहा है मोदी जी? आप अभी अंदर ही थे, जरा मीडिया को अलाउड नहीं है। अंदर पार्टी चल रही है, धमाल चल रहा है, भोजपुरी के सुपरस्टार्स हैं अंदर, बहुत सारे एक्टर हैं, एक से एक धमाल एक्टर है, बस मस्ती धमाल और क्या, बर्थडे पार्टी चल रही है खूब। कौन कौन है अंदर? अंदर रवि किशन है और विक्रांत भाई हैं, अंजना जी, संगीता तिवारी, लवी, अक्षरा जी और अनारा जी, परवेश लाल यादव, मनोज टाइगर और बहुत सारे लोग हैं, सुनील पाल जी है, सुरेंद्र पाल जी है, बहुत सारे सारे दोस्त हैं, मस्ती कर रहे हैं। जी जी बोलिए। मोदी जी आपके नाम के आगे मोदी के एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। पूछिए। करुणा निधि साहब क्या कुछ कंडोलेंस आप लोग ऑफर करना चाहते? देखिए करुणा निधि जी जैसे बोलते हैं ना हमारे भारत के डायमंड में से एक डायमंड वो भी हैं और ये एक क्षति जो हुई है भारत को उसकी पूर्ति करना बहुत मुश्किल है। इतने सुलझे हुए नेता जिन्होंने जिनके मार्गदर्शन पे बहुत सारे लोग चलते हैं और एक उनका अच्छा मुकाम है हमारी भारतीय राजनीति में, तो मुझे बड़ा दुख है कि एक हस्ती आज हमारे बीच नहीं है। तो हम यही करेंगे, उनका परिवार जैसे भी है वो क्षति तो हम पूरी नहीं कर सकते लेकिन हमारी दुआएं हैं कि वो जहाँ भी हैं ऊपर वाला उनको जन्नत अता करे, खुश रहे। अंजना जी वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस इन दिस भोजपुरी इंडस्ट्री, मैं उनको हमेशा नंबर एक पे देखता था, देखता हूँ और देखता रहूँगा। अभी उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पाया है और बहुत खुशी हुई हमें कि हम लोगों ने उस अवार्ड में उनके साथ में, हम वहाँ थे मलेशिया में, बहुत 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 आनंद आया उनके साथ।
आगे कौन सा धमाका करने वाले हैं? आगे हमारी फिल्म है काशी के लाल, जो अभी स्टोरी मेकिंग पूरा चालू है उसके ऊपर, और बहुत सारा चूँकि पहले किया था उस पर वर्कआउट थोड़ा कम किया था, अब वर्कआउट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और जब पिक्चर लेके आएंगे पब्लिक के बीच में तो पब्लिक को कुछ नया देखने को मिलेगा। अंदर कितना धमाल किया आपने, कितनी मस्ती की, जरा बताइए हमें, थोड़ा फीलिंग लेने दीजिए कम से कम मस्ती का बाहर से। ऑफ कोर्स बहुत मस्ती की, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर साल अंजना बहुत अच्छी पार्टी देती है अपने फ्रेंड्स के लिए अपने बर्थडे की, इस साल भी वही पार्टी है और हम लोग बहुत मजाक कर रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मैं आप लोगों को सीरियसली अंदर मिस कर रही हूँ, फ्लैशेज नहीं बज रही है नाचते हुए अंदर, तो मैं मिस कर रही हूँ आप लोगों को। हम लोग भी आप लोगों को अंदर नाचते हुए देखते हैं, मस्ती करते हुए देखने मिस करने के लिए मीडिया अलाउड नहीं है। हाँ जी, क्योंकि ये जो क्लब है यहाँ का थोड़ा सा इशू है, देयर इज मीडिया नॉट अलाउड। ओके, क्या गिफ्ट लाया है? मैंने ऐसा गिफ्ट लाया है कि जो एक्चुअली शी से गर्ल, तो गर्ल के लिए मैंने ऐसी कोई चीज़ दी जो उनके काम आ जाए। मैंने उनको एक हैंडबैग दिया है गिफ्ट, क्योंकि लड़कियों के लिए पर्स जूते कपड़े जितने दो उतने कम हैं, तो मैंने उनको ऐसा कोई गिफ्ट दिया जो उनके काम आएगा। मैम, एक खबर आ रही है कि आप बिग बॉस 12 के लिए फाइनली खुल चुके हैं, कलर्स चैनल ने जानकारी हमें मिली है, क्या कहना चाहिए? नहीं, जानकारी नहीं है, जब तक मेरे पास जानकारी आएगी डेफिनेटली मैं आप लोगों को भी करूँगी, बताऊँगी कि हाँ मैं कर रही हूँ, बट अभी तक मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे है, और किस तरह विश करना चाहेंगे? बिल्कुल, हम तो नाच के विश करते हैं हैप्पी बर्थडे, और साल में देखिए एक ही बार आता है सबका बर्थडे, और हम इंजॉय करते हैं, मिलते हैं, और जिस हिसाब से वो ब्लेसिंग देते हैं सही, तो हम ईश्वर से कामना करते हैं कि उनका जो जीवन हो बहुत सुखमय हो और हमेशा उनकी ज़िंदगी में खुशी ही भरा रहे। आज बहुत ही शुभ दिन है उनकी भी ज़िंदगी का, और खास करके हमारी इंडस्ट्री की बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं वो, तो हमारी इंडस्ट्री के लिए भी खुशी की बात है, और हम दिल से उनको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। अंजना जी के बारे में बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? और हमने साथ में काम भी किया है एक फिल्म गिरफ्तार में, और बहुत कोऑपरेटिव हैं, और बाय हार्ट बहुत ही अच्छी जी। आप क्या कहना चाहेंगे? अंजना को मैं एक्चुअली में मुझे लगता है कि हम से कुछ 5-6 साल पहले से एक दूसरे को जानते हैं। अंजना का सबसे अच्छा है कि वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग गर्ल है अगर आप देखोगे तो कुछ एक हमारी इंडस्ट्री में हीरोइने हैं जिनमें से अंजना सिंह आती हैं, और काफ़ी अच्छा वर्क किया अंजना ने, कर भी रही हैं, और जैसा कि उनको हॉट केक बोला जाता है वैसी वो हैं। तो बिल्कुल अंजना जो है दिल की भी अच्छी हैं, और इसीलिए भगवान उनके साथ सब कुछ अच्छा कर रहा है और आगे भी अच्छा करे, जैसा कि भाई ने बोला, हमारी बस ब्लेसिंग है उनके लिए। अभी आप अंदर गए थे और तो अंदर की बताना चाहिए? मैंने बोला ना, बहुत बहुत जबरदस्त पार्टी चल रही है अंदर, धमाल ही धमाल है अंदर, बहुत सारे लोग हैं, रवि जी वगैरह सारे लोग आ चुके हैं वहाँ पे, तो एंजॉय कर रहे हैं, बस अभी हम भी जाके ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो धमाल ही धमाल होगा, लास्ट में बस यही बोलेंगे कि हैप्पी बर्थडे अंजना जी, आपको ईश्वर हमेशा खुश रखे। कैसे हैं? गाना गा सही बात, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गारे, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू अंजना, हैप्पी बर्थडे टू यू अंजना जी। थैंक यू। हाँ बिल्कुल, बीच में जरूर वजह हमारी वजह प्यार है दोस्ती है, कुमार है। बर्थडे वीक है, बर्थडे मंथ है, ये दोनों का बर्थडे एक ही मंथ में, बर्थडे मंथ है, तो इसलिए हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं साथ साथ। आगे अंजना जी, वैसे तो आप बहुत ही तेज आती हो, अंदर आपने फुल टीक काटा होगा? नहीं नहीं, अभी कटा नहीं है, काटी होगी। हाँ सर, आप इतना छुप के मत रहिए प्लीज, आपकी जरूरत है, हमें यहाँ पे आइए। क्या है, मेरी साइज थोड़ी बड़ी है, देखिए सामने कैमरा मेरे पीछे चल रहा है। और क्या कुछ तैयारियाँ थी अंजना जी, सुबह से क्या शेड्यूल था अंजना जी का जन्मदिन वाले दिन? एक्चुअली ये कुछ भी नहीं था, ये लास्ट मोमेंट पर डिसाइड हुआ है, क्योंकि आज हमारा शो था देवघर में, मैं देवघर में अपना बर्थडे करने वाली थी, बट ड्यू टू सम रीज़न शो हमारा कैंसिल हुआ, तो हमने ये बर्थडे प्लान किया, बहुत शॉर्ट नोटिस पे किया, और मेरे सारे फ्रेंड्स आए। थैंक यू, अभी देखो हमारे साथ स्मृति आई है। थैंक यू, हाय जीजू, हेलो। तो ये लास्ट मोमेंट पर डिसाइड हुआ, ऐसे कुछ खास तैयारी नहीं थी हमारी।
हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, हैप्पी बर्थडे टू यू. थैंक यू. मुझे अरे मैं तो देखती, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स है वो खाली हाथ आते ना, तो उससे बाद में बहुत झगड़ा करते हैं कि खाली हाथ क्यों है मेरे बर्थडे में. अच्छा, लेकिन आज आपने मना किया था कोई गिफ्ट और कोई फ्लावर्स? नहीं नहीं, गलत 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 न्यूज़ है. मैंने किसी को नहीं मना किया कि मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए. किस तरह की गिफ्ट अंजना जी को सबसे ज्यादा पसंद होती है? जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको पता है मुझे क्या पसंद है और वो वही लेके आते हैं, तो मैं बताना नहीं चाहूँगी मुझे किस तरह की गिफ्ट पसंद है, क्योंकि जो मुझे जानते हैं वो उन्हें पता होता है कि मुझे क्या अच्छा लगे. जो दिल से दे दिया वही गिफ्ट सबसे ज़्यादा पसंद है. कि मेरे सभी फ्रेंड्स मुझे इतना प्यार करते हैं कि इतनी शॉर्ट नोटिस पे मैंने कुछ प्लान किया और वो सभी मेरा साथ देने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए, मेरे साथ एंजॉय करने के लिए, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग आए. इट्स मीन कि उनका प्यार मेरे लिए बहुत है और मेरा भी प्यार उनके साथ बहुत है, इसलिए हम लोग आज मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. हाँ, ये बर्थडे ड्रेस का भी राज है. अक्षरा, प्लीज़, ड्रेस मुझे अक्षरा ने गिफ्ट किया है और थैंक यू सो मच. बहुत बहुत चीटिंग की, अपना अच्छा किया. देखो ना कैसा. नहीं भाई, अच्छा बर्थडे आई गेस आप लोग देख सकते हैं मेरे से ज्यादा अच्छा इसका. नहीं नहीं, बताओ बर्थडे का कौन लग रहा है? मैं लग रही हूँ, ये लग रही हूँ, चमक रही है ना, कोई दोस्त है एक जैसे लगेंगे चलेगा. पर मेरी फ्रेंड का अगर बर्थडे है तो ऑब्वियसली मुझे भी अच्छे से रहना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ब्लैक इस पे सबसे ज़्यादा सूट करता है एंड बहुत अच्छे से कैरी करती है, तो इसलिए ब्लैक. क्या विश करना चाहें, किस तरह से? मेरे तरफ से रिकॉर्ड तोड़ी है ये. बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा, हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा, हैप्पी बर्थडे टू यू अंजना, हैप्पी बर्थडे टू यू. मेरे लिए था. अंजना बोला ना, अच्छा गाया, अच्छा गाया. अंजना बोला ना, इतना भी खुश रहो. आप क्या विश करना? बहुत सारा गुड लक, बहुत सारे गुड विशेस और बहुत तरक्की करे. इस बार इन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है, वो हर साल जीते हैं और खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा खुश रखें और जैसे हमेशा स्माइल दे करके और सब कुछ अच्छा कर देती हैं, वैसे ही हमेशा रहें. जीजू प्लीज. हैप्पी बर्थडे. मेरी फिल्म नागराज अभी रिसेंटली रिलीज हुई है और जिस हिसाब से ऑडियंस का प्यार है, सपोर्ट है, मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है उसके लिए और लोग तारीफ कर रहे हैं उस फिल्म की, तो ये मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट ही है कि ऑडियंस को मेरा काम और मेरी जो भी जनता है हमारे, उन लोगों को अच्छा लग रहा है, तो थैंक यू सो मच. मतलब खुशी के दो दो मौके हैं. जी 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 जी. कर दिन बहुत बहुत मुबारक हो. चार चांद रोशन कर रही हैं और अच्छा और खूब तरक्की करें. नहीं, भोजपुरी में बोलते हैं. भोजपुरी में मेरे बच्चे बोल दिया. अरे प्लीज प्लीज, अभी जी जो आपको आती है भोजपुरी, मतलब एग्जैक्टली अंगिका, अंगिका मेरी बात, अंगिका अंगिका, तेरा जन्मदिन बहुत बहुत बधाई हो. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अच्छा, ये बेस्ट एक्ट्रेस वाली पार्टी है या बर्थडे वाली? ये बर्थडे वाली, बेस्ट एक्ट्रेस वाली. मैंने क्या बोला? नहीं, वो करना होगा, वो करना पड़ेगा. बर्थडे ही हो रहा है. सेवन ईयर से बर्थडे ही हो रहा है ना, तो वो वाला पार्टी अभी है. वो अलग है. नागराज वाला बाकी है. वो अलग है. नहीं, वो कोई और देंगे. नागराज का प्रोड्यूसर देंगे ना. अच्छा, हीरोइन नागराज लगा हीरोइन. आज पूरी इंडस्ट्री किस तरह से सबका थैंक यू, तो सबको बहुत बहुत थैंक यू. और जैसे कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री छोटी सी है, क्यूट सी है, हम एक परिवार हैं और जब भी किसी का कुछ भी सेलिब्रेशन होता है, कोई दुख की बात होती है, कभी कुछ भी होता है, तो हम लोग हमेशा साथ में खड़े रहते हैं, जैसे जिसको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो आई एम लकी कि मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ और स्पेशली मैं मेरे सारे दर्शकों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ
कि आफ्टर 7 इयर्स 7 साल बाद आपको लगा कि मैं बेस्ट एक्ट्रेस हूँ एंड आई गॉट माय फर्स्ट इंटरनेशनल बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड. तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू. मेरे जीजू थोड़े से बहुत शाई टाइप के हैं, मैं जो इतनी तेज़ हूँ इसलिए जीजू के हमेशा मेरे साथ बेस्ट विशेस रहती हैं. और बहुत मैं लकी हूँ कि मुझे आशीष जीजू मिले हैं, बहुत सपोर्टिंग है, हमेशा मुझे हर बात के लिए अप्रिशिएट करते रहते हैं, मुझे बूस्टअप करते रहते हैं. और मेरी सक्सेस के पीछे, मेरे जो भी वर्क है उसके पीछे अगर कोई मुझे पॉजिटिव गाइडेंस देता है तो मेरे जीजू हैं. थैंक यू सो मच जीजू. और मैं बहुत लकी हूँ कि आप दोनों लोग आज मेरे बर्थडे पे यहाँ आए हैं, तो थैंक यू सो मच. सर आप क्या विश करना चाहेंगे, किस तरह से विश करना है? थैंक यू वेरी बोल्ड. And see, whatever she like, she wanna do, na, nobody can stop her. She'll do it, okay. Thank you so much. सबसे पहले तो मैं अंजना जी को बहुत ही बधाई दूंगा. उनके उन्होंने जस्ट अभी मैंने सुना है कि उन्होंने शादी की है, तो उसके लिए उनको बहुत सारी बधाई और साथ में उनको बर्थडे के लिए भी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं. अंजना जी बारे में बात की जाए तो क्या कहना चाहिए? अंजना जी तो बहुत सीधी और बहुत नेक दिल इंसान है और मेरी तो उनसे काफ़ी समय से अच्छी दोस्ती रही है और मैंने देखा है उनको हर चीज़ को कैसे वो अपनी लाइफ में टर्न करती हैं और जो भी है मुझे तो बहुत अच्छा. कितना धमाल मचा रहे हैं आप अंदर? अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या. आप सबको भी अंदर बुलाएंगे, आप देखिएगा कि अंदर क्या चल रहा है. ओके थैंक यू. ओके अंदर धूम धड़ाका चल रहा है, आप जिसे भी अंदर से धमाल मचा के आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए, कितना धमाल मचा रहे हैं आज? सबसे पहले अंजना जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा. बहुत ही प्यारी सी हीरोइन है हमारी इंडस्ट्री की, बहुत अच्छा किया है, बहुत आगे तक गई है और चाहूँगा कि अपने ज़िंदगी में और ज़्यादा सक्सेस और ऊँचे मुकाम को छुएँ. तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं उनके लिए. अंजना जी के बारे में बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? अंजना जी नेचर वाइज बहुत ही डाउन टू अर्थ है. मैं उनको काफ़ी सालों से जानता हूँ, जब मैं पहली फिल्म कर रहा था तब से उनको जानता हूँ. तो बहुत ही अच्छी है वो और एज हीरोइन भी बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हुई है, बहुत सारी फिल्में की हुई हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है. शी इज़ डूइंग वेरी गुड फॉर हर सेल्फ. अभी अभी उनकी शादी हुई है और अब अच्छा सेटल कर गई हैं, तो वेरी गुड, कीप इट अप. बात की जाए अंदर पार्टी की, तो पूरा भोजपुरी कहते परिवार इकट्ठा हुआ है. जी एंजॉय कर रहे हैं सब लोग, बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं. हम लोग यहाँ बैरल में आए हुए हैं और सारे ऑलमोस्ट अपनी पूरी इंडस्ट्री है यहाँ पे और सभी एंजॉय कर रहे हैं. बहुत ही अच्छी पार्टी है, तो बहुत मज़ा आ रहा है. अभी आपकी फिल्म चन्ना जोर में रिलीज हुई थी, अच्छा रिस्पांस मिला यूट्यूब पे, वहाँ भी अच्छा रिस्पांस. आगे और कौन कौन फिल्में लेके आ रहे हैं? आगे मेरी एक फिल्म आ रही है घमासान, जो मैं किरण कांत वर्मा के साथ कर रहा हूँ, और एक और फिल्म आ रही है खोटे सिक्के. तो ये दो फिल्में लाइंड अप है और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं. वो ऑफकोर्स जब तक कि चीज़ें सामने नहीं आती उसके बारे में बोलना सही नहीं होता है. थैंक यू वाला बर्थडे. और वो उनके पास पॉज करने वाली मशीन है, नहीं होता टीवी में पॉज करते, तो उन्होंने अपने एज को पॉज कर रखा है, तो वो 16 से बढ़ नहीं रहा है. और भगवान करे इसके बाद रिमोट खो जाए, 16 से एक रत्ती ना बढ़े और ऐसे ही रहें. और उनका नाम सुनते ही बर्थडे की याद आ जाती है, क्योंकि शी इज़ हॉट केक. तो हैप्पी बर्थडे अंजना. आपकी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स का चल रहे? मैं अभी सुपर डांसर 3rd आएगा, फिर से मामा जी आएंगे डैड चीट करते हुए, शिल्पा जी पे लाइन मारते हुए. और अभी मैं सर्कस कर रहा हूँ, कॉमेडी सर्कस, तो मेरा बहुत दिन से मन था करने का, तो अभी वो चल रहा है. तो मुझे परितोष त्रिपाठी को लोग अलग अलग रूप में देखेंगे, तो मेरे लिए ही अच्छा है. और उसमें मज़ा आएगा कि मैं कुछ नॉर्थ का तड़का लेके आऊँगा इस बार, जो हमारा फोर्टे है, जो हमारा कल्चर है. तो क्या है ना कि यूपी बिहार का क्राइम ज़्यादा आया है टीवी पे या फिल्मों में, कॉमेडी बहुत है, कैरेक्टर बहुत हैं, मज़ा बहुत है, तो वो सब देखने को मिलेगा. बाकी मज़ा आएगा आपको. तो भोजपुरी फिल्मों में कब देखेंगे दर्शक आपके, जो आपकी कॉमेडी को, आपकी खिलखिलान को कब देखना चाहते हैं? पता नहीं क्या होता है, मतलब मेरे साथ ना वो हो रहा है कि जो फिल्में मुझे ऑफर हो रही हैं वो मैं करना नहीं चाहता हूँ, और जो मैं कर क्या रामचंद्र भाई, और जो फिल्में मुझे ऑफर हो रही हैं वो मैं करना नहीं चाहता हूँ, और जो मैं करना चाहता हूँ वो ऑफर नहीं हो रही हैं.
तो जब सही टाइमिंग सेट हो जाए हम दोनों की तो कॉमेडी करेंगे, सीरियस करेंगे, सब करेंगे। कुछ गाना चाहेंगे अंजना? बिल्कुल भी नहीं, क्या बात कर रही हो, अच्छी वाली इमेज है मेरी, बदनाम, खुद कैमरा बंद कर लोगे, फोकस हिल जाएगा उस आदमी का। कुछ नहीं गाना चाहूँगा, हैप्पी बर्थडे टू यू बाबू, हैप्पी बर्थडे बाबू, बस।